संतोष कंप्यूटर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी का स्कूल टीचर फॉरम उसके स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताएंगे और क्या क्या चीज़ उसमें किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है ये भी हम बताएंगे। आप आइए ऑनलाइन अप्लाई क्लिक करिए और बीपीएससी का फॉर्म ऐसे खोलिए। ऑनलाइन बीपीएससी फॉर्म ऐसे खुल जाएगा, स्कूल टीचर एंड हेड मास्टर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम, इधर देख लीजिए। ये 5 तारीख को शुरुआत हुआ है इसका, 5/11/2023, और ये 14/11/2023 को इसका लास्ट डेट भी है, 14 तारीख तक उसको फिल कर सकते हैं। और इसका एडवर्टीजमेंट भी पढ़ लीजिए। देखिए फॉर्म पहले ऑनलाइन भरने से पहले आप एडवर्टीजमेंट ज़रूर देख लिया करिए। एडवर्टीजमेंट में देखिए लिखा हुआ है ये कुल 69,706 पदे आए हुए हैं इसमें, और नीचे भी देख लीजिए कितने कितने पदे किस किस जगह पे किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने पद हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिए। और जो बिहार के रहने वाले हैं वो अपना अन्य पद 11 से जैसे और भी पद दिए हुए हैं वो पद आप अपने देख के जैसे दिए हुए हैं 9 से 10 तक के विद्यालय और भी हैं इनके में 11 से 9 से 10 11 से 12, ये सारे पदे तो अपना देख के ही फॉर्म भरेंगे। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पदे दिए हुए हैं। अब इधर ऑनलाइन पे आ जाइए, ऑनलाइन अपना खोलिए और ये लिखा हुआ है फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। अगर आपके पास एक नाम है जैसे विजय है तो विजय आप डाल दीजिए। अगर आपके पास विजय कुमार सिंह है तो विजय में पहला मिडिल में कुमार और लास्ट में सिंह डाल दीजिए। अगर वैसे सिर्फ विजय सिंह है तो लास्ट विजय पहला डालिए लास्ट में सिंह डाल दीजिए। अगर आपके पास सिर्फ नाम विजय है एक ही अच्छा नाम है एक ही वर्ड है तो आप सिर्फ विजय लिख लीजिए, विजय लिख के छोड़ दीजिए। उसके अलावा देख लीजिए पिता का नाम, पिता का नाम में भी आप लिख लीजिए। अगर महिलाएं भर रही हों तो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ लिख सकती हैं। उसके अलावा देखिए माता जी का नाम यहाँ नीचे डाल लीजिए। और ये आधार लिखा हुआ है, आप आधार को दोनों तरफ की प्रति एक साइड कर लें तो उसके बाद इसको एक पीडीएफ फॉर्म में 100 KB से कम का लोड करना है इसमें, तो फाइल बना लें उसको लोड कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप यस कर लें, अगर बिहार के निवासी नहीं हैं तो उसको नो कर लें। जैसे सपोज आप दिखाते हैं नो कर देते हैं तो आप जनरल में चले जाएंगे, बिहार के निवासी नहीं है तो आप जनरल चले जाएंगे डायरेक्ट। उसमें अदर स्टेट के लोगों के लिए ये एससी कैटेगरी एसटी एससी बीएससी कोई मायने नहीं रखता है, जनरल हो जाता है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन अपने निवास का प्रमाण पत्र इसमें लोड करना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू डेट डालना है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर आप डालते हैं EWS, मान लीजिए आप बिहार के निवासी डाल दिए, उसके बाद आप डालते हैं EWS, EWS पे भी क्लिक कर दीजिए। EWS क्लिक करते ही अब ये आ गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे, देखिए इसमें जो जो चीज़ मांग रहा है EWS के लिए, EWS में क्या क्या इसमें आपके दिए हुए हैं ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, राजपूत हैं क्या हैं सेलेक्ट कर लीजिए और सर्टिफिकेट नंबर डालिए, इशू डेट डालिए, हो जाएगा। उसके अलावा आप देखिए सर्टिफिकेट इशू भाई कहाँ से हुआ है, बिहार से हुआ है, बिहार डाल दीजिए। अब एससी देख लीजिए, एससी डालेंगे तो फिर उसमें देख लीजिए ऑप्शन कितने सारे ऑप्शन हैं। अब इसमें जो एससी रहेंगे वो अपना चुनाव करेंगे जो है उसके बाद डाल दिए। उसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए, ओके कर दिया। अगर आप एसटी हैं तो एसटी का भी जैसे दिया हुआ है क्या क्या है वो डाल दीजिएगा। यदि आप ईबीसी हैं तो देखिए यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट लगाने के लिए बोलता है, ईबीसी में एनसीएल सर्टिफिकेट, जैसे ईबीसी है तो एनसीएल सर्टिफिकेट ही लगाना ज़रूरी है। अगर आप बीसी हैं तो भी एनसीएल सर्टिफिकेट लगाइएगा, ध्यान रखिएगा ये एनसीएल सर्टिफिकेट ही लगाना ज़रूरी है, बीसी या ईबीसी का सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, एनसीएल सर्टिफिकेट नेशनल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जब आगे आ जाइए अगर आप शादीशुदा हैं और नहीं हैं तो नो डाल दें, और शादीशुदा हैं तो यस डालें। जैसे देख लीजिए शादीशुदा जब यस डालने हैं तो यहाँ पर हस्बैंड नेम ज़रूरी है, अब यस डालते हैं ये हस्बैंड नेम यहाँ ज़रूरी है, अगर पुरुष भरते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दें। अब आगे बढ़िए, देखिए
अब दिया हुआ है इसमें कि यदि आप ये हैंडीकैप हैं तो यस डाल के, यदि आप हैंडीकैप हैं तो आप यस डालिए और उसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है आपका, ये विजुअली डिजिबल है या हेयर डिजिबल्स है या और भी हैं इसमें, और उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना रहेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, इशू डेट डालना पड़ेगा, उसके बाद तब पे यहाँ चुनाव करना रहेगा कि क्या उसमें आपका आएगा ऑप्शन। यदि आप और देखिए आगे, अगर यदि आप बिहार के निवासी हैं, एस सी या फिर फीमेल हैं तो आप यस कर लें। बस ये इतने ही लोगों को छूट मिलती है, एस सी एस टी या डिसबिलिटीज या फीमेल हो तो यस करेंगे तो फीस आपकी 200 रुपये हो जाएगी, अन्यथा आपकी जनरल ओबीसी की सीट अदर स्टेट वालों के लिए 750 रुपया पर पद के लिए है। जैसे 6 से 8 का एक पद का हो गया आपका 700 फीस, उसके अलावा और भरेंगे तो वो डबल हो जाएगा, 1500 फीस हो जाएगा। अब नीचे आइए, देखिए बीएड डिटेल आप डाल दीजिए, जैसे ये लिखा हुआ बीएड है, बीटीसी है, जो भी है आपके पास, यहाँ लिखा है बीएड तो बीएड क्लिक कर लेंगे। ये भी इसमें जी बीएससी है, डीएलएड है और बीपीएड है, जो जो ऑप्शन इसमें दिया वो आप क्लिक करेंगे। आपका बीएड है तो बीएड क्लिक करिए, वैसे तो ये डीएलएड के लिए है ही नहीं, ये आप बीएड क्लिक कर लीजिए। इसमें शैक्षिक योग्यता डाल लीजिए और यहाँ पे देखिए ये सीटेट मांग रहा है 6 से 8 का, सीटेट क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके सीटेट वाले इस वाले माध्यम में आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। और ये देखिए लिखा हुआ है बिहार स्टेट पेपर, ये अगर बिहार के निवासी हैं तो आप डाल सकते हैं मध्यम वाला, और अगर बिहार के निवासी नहीं हैं तो आप इधर आगे बढ़ जाइए। अभी 6 से 8 तक का आप सी टेट का सर्टिफिकेट इसमें नंबर डालेंगे और इशू डेट डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालिए, इशू डेट डालिए, और उस सर्टिफिकेट को सी टेट को 100 KB से कम करके अपलोड भी करना है। अब यहाँ आगे शिक्षक विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे एक नीचे आ जाएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज आ जाएगा, लैंग्वेज भी आप क्लिक कर लीजिए। लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए लैंग्वेज दिया हुआ है उर्दू, बंगाली और हिंदी, हिंदी डाल दीजिए आप, और ये नीचे आ जाइए, और उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, एड्रेस डाल लीजिए। और ध्यान रखिए कि ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म में डीएलएड का ये फॉर्म नहीं है, इस पर डीएलएड का कोई ऑप्शन नहीं है, डीएलएड इसको नहीं भर सकते हैं, ये बीएड वालों के लिए ही है। और ईमेल आईडी अपना डाल लीजिए दोनों में, दोनों ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते ही ये ईमेल आईडी आपका सुरक्षित हो जाएगा। उसके अलावा मोबाइल नंबर डालिए और मोबाइल नंबर ओटीपी दबाएंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आपका ये कैप्चर कोड डालिए, कैप्चर कोड डालते ही आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म। फॉर्म सबमिट होने के बाद अब इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आपको, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के लिए आप सीधे पेमेंट में जाएं और अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका हो नेट बैंकिंग, उससे पेमेंट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो तो पहले इतना ही हो गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरे फॉर्म पूरा फुल फॉर्म, ये 10 तारीख तक ही भरने का टाइम है रजिस्ट्रेशन का, 10 तारीख से फिर इसके आगे का प्रोसेस